बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फिशरी का यहाँ से ब्लॉग शुरू होता है। यहाँ पे कुछ कीड़े मकोड़े हैं, दिखाते हैं आपको क्या चीज़ है। क्या चीज़ है ये? कटल है। क्या कटल है ये? और ये स्क्विड, इसको भी बोलते हैं जो मैया वगैरह जो होता है, इसी को ही बोलते हैं। तो इतनी गंदी क्यों है ये? ये काला पानी पी रही है ना। अच्छा, वो जो छोड़ता है वो है ये। सही सही। क्या रुपये किलो मिलता है ये? ये 1400। 1400 रुपये किलो? तो ये एक किलो का एक ही दाना होगा मेरे ख्याल से, इतना बड़ा है ना माशाल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद जवाद। मोहम्मद जवाद, ये देखो आप, ये मैया इसको ये लोग बोलते हैं। और ये छोटा झींगा जो ये चारे वगैरह में यूज़ होता है ना, फिश वगैरह के शिकार भी आते हैं, ये वो चीज़ है। और ये पता नहीं कौन सी मछली है, अपना सांप जैसी। केकड़े आ गए, केकड़े, ये छोटे मोटे केकड़े, ये सारे केकड़े। ये टब खाली चेक करो, इतने बड़े टब भरे हुए केकड़ों के सिर्फ। ये फावड़े से केकड़ा उठाया जा रहा है, फावड़ों से। ये देखो, हाथ से भी नहीं, फावड़ों से अलग किया जा रहा है केकड़ों को। आज तो केकड़ा ही केकड़ा दिख रहा है भाई हर जगह पे। ये रहा टप के टप बढ़ रहे केकड़ों के, आगे बढ़ रहे आहिस्ता आहिस्ता। यही मार्केट है जो पटास मार्केट कहलाती है फिशरी में। ये फिर से भाई केकड़े ही केकड़े आज तो, पता नहीं केकड़ों के शिप आए हुए, क्या वजह है आज। कैसे दे रहे हो झींगा? 1000 रुपये किलो भाई, 1000 रुपये किलो है। ये साइज चेक कर लो आप, ये देखो 1000 रुपये किलो साइज। और ये छोटा वाला? छोटा वाला 450। ये 450, इतना सा है। इसमें सफाई में इतनी मेहनत होती है, क्या बताएं भाई। और ये क्या है? मैया, ये शिकार के लिए लेते हैं। इसको उठाओ, एक हाथ में उठाओ। अच्छा, ऐसा होता है, शिकार के लिए ले जाते हैं इसको। क्या रुपये किलो मिलता है ये? क्या रुपये? 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो, ये जो कुंडी वाला शिकार के लिए लोग जाते हैं उसके लिए होता है 400 रुपये किलो। तो ये उसके ऊपर नीचे रेट होते हैं क्या? इसके रेट ऊपर नीचे होते हैं क्या? फिक्स रेट होते हैं। आज तो माशाल्लाह से केकड़े केकड़े हर जगह देखने। क्या केकड़ों का जहाज आया क्या सार? हर जगह केकड़ा केकड़ा दिख रहा है यार आज। आज केकड़े के जहाज आए हुए हैं काका, बहुत ज्यादा। वो देखो लॉबस्टर 2 दिन पड़े बड़े बड़े दाने, वो आपको दिखा दे लॉबस्टर। ये लॉबस्टर के रास्ते, ये बहुत बड़े दाने यार। इसके बारे में कुछ बताओगे? ये क्या क्या हिसाब चलता है ये? उठा 4000-4500 रुपये किलो। 4000-4500 रुपये, 4000-4500 रुपये किलो चलता है। और एक किलो में एक दाना होगा ये? वो तकरीबन किलो का दाना है, ये 800-900 ग्राम का दाना है। ये 800-900 ग्राम का दाना है। और ये छोटे भी आते हैं, ये बड़े बड़े? अच्छा अच्छा, ये छोटे भी आते हैं, ये बड़े। हाँ, जब मैंने पहली बार मतलब देखा इतना बड़ा लॉबस्टर ना, इससे भी बड़े बड़े आते हैं, 1 किलो 200 ग्राम। अच्छा, इतने इतने बड़े बड़े भी आते हैं। अच्छा, जिंदा है ये? एक जिंदा है। अच्छा, जिंदा है इसमें? अरे वाह भाई वाह, अरे तेरी जिंदा है ये तो। ये लाइव है, ये लाइव, एकदम लाइव है। और कभी कभार लाइव आते हैं ये? कभी कभार लाइव आते, लाइव आते हैं। ये अंडे? अंडे अंडे? अच्छा, मादा? अच्छा, वो बगैर अंडे वाला है, वो नर? अच्छा अच्छा, ये मादा है। अच्छा, ये इसे क्या होता है? वो थोड़ा सांस है ना। अच्छा अच्छा, तो उसको मैं थोड़ा दबा रहा हूँ तो पूरा पूरा हो जाए। अच्छा 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 अच्छा, ये जिंदा भी एक्सपोर्ट होता है? अच्छा, जिंदा भी होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। आपका नाम? फैसल। और यही काम करते हैं आप लॉबस्टर का? चला देंगे, और बोलो मशहूरी के लिए। तो फिर टिकटॉक पे आना पड़ेगा आपको मशहूरी के लिए। अच्छा, हो आप फिर नहीं सुन। ठीक है, बहुत। अभी हम फिश मार्केट, मेरे ख्याल से पटास मार्केट जो है वो कवर हो चुकी है। अब उसके बाद हम लोग जा रहे हैं फिश मार्केट में, तो चले फिश मार्केट का आपको बता। भाई सारम क्या रुपए किलो दे रहे हो? क्या रुपए किलो दे रहे हो सारम? सारम 450। और ये कौन सी है? ये क्या रुपए किलो है? अच्छा, यहाँ यहाँ 350 रुपये किलो। और ये छोटा रिंजी, ये क्या रुपए किलो है? ये वाला आपको 280 रुपये पड़ेगा। एले वाली मंडी में? एले वाली मंडी में 280 रुपये पड़ेगा। माल है आधा घंटा वाला। और ये हीरा क्या रुपए किलो है?
हीरा 1200 रुपए किलो और सफेद गुंज ये कौन सी इतनी बड़ी भाई साइज चेक करो कितना किलो होगा संग्रह है भाई इतना बड़ा है ये कम से कम 40-42 किलो की है भाई ये संग्रह देखिए बोली लग रही है फिश की तो ये दिखाते बोली किस तरह लगाई जाती है अब ये जो हाथ में जिनके है वो कैलकुलेट कर रहे हैं माल के हिसाब से ना अब ये देखो कान में ये जिस तरीके से कान में फिर वो बताया जाता है कि भाई ये देखो ये इतने रुपए किलो हम दे रहे हैं कान में बताया जाता है उसके बाद फिर शोर किया जाता है कि इतने रुपए किलो लाड बिक गई है अब ये सब तीनों जो है ना हिसाब चला रहे मगर एक दूसरे से छुप के चला रहे होते हैं हिसाब किताब अभी मैंने कहा बोली दिखा रहे हैं ना लोगों को बोली किस तरह लगाई जाती है बोली किस तरह लगाई जाती है वैसे यही ना कि कैलकुलेटर चलाया जाता है छुप छुप के फिर कान में बताया जाता है इसी तरीके से ना वो जो बता रहे वो कान में बता रहे ना माल किसका है ब्लू कैप वाले का किसका कॉपी वाले का अच्छा कॉपी वाले का इसका माल है इसके कान में बताया जाएगा इसने कैलकुलेटर दिया इसको माल अब वो जो कान में बता रहे नहीं वो भाई गुटका बहुत है तो मुंह से निकल नहीं रहे अल्फाज फिर कान में बताया कितने में गया 61,000 में सारम का सारा लाड गया 61,000 में ये और ये फिर वो ट्रॉली में जो है ना भरा जा रहा है ये सारा लाड 61,000 में चला गया किसने लिया माल तुम लोगों ने लिया भाई ये इन लोगों ने माल लिया 61,000 का वो उसका भाई है फारूक इसने माल खरीदा 61,000 का सारम का लाड सुरमा क्या किलो है 1250 भाई ये सुरमा ये 1250 मगर ये तकरीबन 6-7 किलो का एक पीस है बोलता है मेरी वीडियो लो हाँ भाई बोलो बोलो क्या बोलना चाहोगे तो ये क्या करके आ रहे हो ये ये छोटा सा वाइट गुण है ये तो छोटे छोटे जो मछलियाँ होती है इसको बख्श नहीं देते वापिस समंदर में नहीं छोड़ते हम एक दिन का मच्छी भी ले आते हैं अच्छा ये 2 दिन का है 2 दिन का मच्छी देखा अभी तक सही से चमड़ा भी नहीं आया ये 12 घंटे का है जी तो हमारा यहाँ पे ब्लॉग होता है ख़त्म तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दुआ में याद रखें सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए